psychiatrist and HOD department of psychiatry district civil hospital chula se hu. Society ek aisi cheez hai ki jo ki mansik rog ke mareez unke dimag mein kabhi na kabhi ek bar ye khayal zarur aata hai ki isse acha main mar jata. अब सुसाइड सबसे कॉमन देखा जाता है डिप्रेशन के मरीजों में, जिसमें देखा गया है कि कम से कम 20% लोग कभी ना कभी अपनी जिंदगी में एक बार सुसाइड अटेम्प्ट जरूर करते हैं. फिर दूसरा आता है बाइपोलर और तीसरा स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों में. अब सुसाइड किन लोगों में सबसे कॉमन देखा गया है, वो ऐसे हैं जो कि यंग हैं, सुसाइड जो है उनकी अटेम्प्ट जो होते हैं ज्यादा होते हैं, कम्प्लीटेड सुसाइड की भी बहुत ज्यादा होते हैं, जो इम्पल्सिव होते हैं वो, तीसरा जो सिंगल होते हैं या डिवोर्सी होते हैं या जिनके घर में रिसेंटली किसी ने कोई सुसाइड की हो या रिसेंटली किसी की डेथ हुई हो, उन लोगों में. और जो सबसे बहुत ज्यादा देखा गया है उसमें ये देखा गया कि जिसने प्रीवियस अटेम्प्ट किया हो सुसाइड का. अब सुसाइड के बारे में सबसे ज्यादा अगर आप ध्यान रखना है तो वो चीजें देखें कि कई अगर कोई आपका मरीज अकेले रहने लग पड़े, चुपचाप रहने लग पड़े, ज्यादा रोने लग पड़े या फिर ऐसी बातें करने लग पड़े कि मैं मर जाऊंगा, मेरे को मरना है, तो इसका मतलब है कि आप जो का मरीज या आपके जो पेशेंट है वो सुसाइड के प्रति अपना बारे सोच रहा हो सकता है. अब सुसाइड को रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि सुसाइड के बारे में बात करें. आप जब तक आपका मरीज को ये नहीं आपको उसको लगेगा कि कोई उसके लिए है जो उसको सुने या कोई है जो जिसके लिए वो ये कदम ना उठाए, तो उसके लिए उसके साथ बात करने की बहुत जरूरत है. सुसाइड को रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उस मरीज के दिमाग में ये होना कि कोई उसके पीछे है जो कि उसको रह जाएगा पीछे अकेले, या कोई ऐसा जैसे कि करियर या उसका रिलीजन जिसके कारण उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए. तो एक चीज जो मंत्र है कि सुसाइड को रोकने के लिए, तो सबसे बड़ा मंत्र है कि सुसाइड के बारे में बात करें.